नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण का रखा लक्ष्य। नगरपालिका परिषद चयनित स्थलों पर आज 11,000 पौधों का करेगी वृक्षारोपण। आपको बता दें, दिनांक 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से लगभग 35 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को भी लगभग 2,135 पौधारोपण करने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर नपाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने भी पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य विभागाध्यक्षों के साथ रामपुर मड़वा पहुंचकर पौधारोपण कर इस महाअभियान की शुरुआत की। नपाध्यक्ष द्वारा रामपुर मड़वा में विभिन्न प्रजातियों के पौधों के वृक्षारोपण किया और इस मौके पर नपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे सूबे में जहां पिछली बार 30 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया था, इस वर्ष भी जुलाई में चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से 35 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पालिका की ओर से लंका की पहाड़ी, टांड गांव और टांडा फाल और अन्य जगहों पर 2,135 पौधारोपण किए जाएंगे, जिसमें मंगलवार शाम तक 11,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। नपाध्यक्ष ने आमजन के घरों के छतों पर बालकनी में गमलों में वृक्षारोपण करने का अपील किया है। नपाध्यक्ष ने कहा कि बदलते हुए पर्यावरण और प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हम सभी को एक वृक्ष लगाना चाहिए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता, नगर अभियंता विपिन मिश्रा, जल कल अभियंता सुधीर वर्मा, कर निर्धारण अधिकारी अरविंद यादव, जिला स्वच्छता प्रभारी संजय सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक मनोज सेठ, जिला संयोजक हिमांशु केसरवानी, अवर अभियंता सुनील मौर्य, मनोज सोनकर, जोनल प्रभारी संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर।